हेलो, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. हाय गाइस, हाउ आर यू? हेलो वैशाली, हेलो वांगखेड़े. ओके, हाय, नाइस टू सी यू ऑल. क्विकली गाइस जॉइन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अ टॉपिक टुडे. हेलो विशाल, हेलो. ओके, सो हम लोग का एनिमल टिश्यू चल रहा था, तो हम लोग के एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू हो गया है, मस्क्यूलर हो गया है, और ऑब्वियसली न्यूरल हो गया है ना. तो एक बचा है जो एपिथीलियम बचा है. बेटा एपिथीलियम हम कल करेंगे करेंगे, ठीक है? वो एक मिस हो गया था ना पहले आपका फ्राइडे वाला, क्योंकि उस दिन स्पेशल क्लास था, तो उसी का हम लोग आपका अभी कल मैं एपिथेलियल टिश्यू खत्म करती हूँ. उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली मेंटी करने वाले हैं ना, एनिमल टिश्यू का मेंटी होने वाला है. ओके, हेलो कुनाल, हेलो. सो वी आर गोइंग टू डू द मेंटी ऑफ एनिमल टिश्यू टुमारो एट 8:30. तो उसके पहले ऑब्वियसली आई एम गोना फिनिश द एपिथेलियल, सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना? ऐसा मत सोचो कि हुआ नहीं है, क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा. ओके ओके, तो आज हम फिर शुरू करने वाले नथिंग बट पेरी प्लैनेट अमेरिका ना, जो आपकी टाइप स्टडी है एनिमल की. सेम चैप्टर ही है वो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, पर उसके एनिमल टिश्यू वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, है ना? एनिमल टिश्यू का पार्ट हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले टाइप स्टडी. तो कौन सा टाइप स्टडी करते हैं? यूजली तीन एनिमल्स है ना आपकी, कॉकरोच है, फ्रॉग है, अर्थवर्म है. तो फ्रॉग और अर्थवर्म बेटा आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं करते हैं, हम कॉकरोच का करते हैं, ठीक है? सो पेरी प्लैनेट एमेरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड वी आर गोइंग टू, यस हिमांशु, एज आई टोल्ड यू, एपिथेलियल टिश्यू विल ऑल्सो कम इन द मेंटी, एंड टुमारो आई एम गोइंग टू डू एपिथेलियल टिश्यू. आई थिंक एट 5 to 6 PM टुमारो आई एम गोइंग टू पुट अ स्पेशल क्लास ऑन यूट्यूब. तो ऑन यूट्यूब, ओके, वहाँ पे मैं एपिथेलियल टिश्यू आपका करा दूंगी, ताकि 8:30 को हम मेंटी कर सकें, ठीक है? वो फ्राइडे को एपिथेलियल टिश्यू होना था, पिछले फ्राइडे को, बट उस दिन स्पेशल क्लास था यूट्यूब फ्राइडे, है ना? चलो बढ़िया. सो वी आर गोइंग टू डी कोड, बिकॉज दिस इज फॉर नीट 2020, एंड वी ऑलवेज डी कोड एनसीईआरटी, है ना? नीट 2020 के लिए हम लोग एक तुरंत क्रैश कोर्स टाइप ऑफ ये कर रहे हैं यूजुअली, और हम यहाँ पे एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है? तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आपके अबाउट नथिंग बट पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है? तो आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल दैट इज नीट वॉयज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी. देर मेनी पीपल हु आर न्यू हियर एंड दोज हु आर ओल्ड, दे ऑलरेडी नो मी. आई एम स्वागता मुखर्जी एंड आई हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड. आई हैव टॉट इन मेजर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. आई हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट इन AFMC पुणे, ICER पुणे, एंड ऑल्सो मेजर MBBS कॉलेजेस ऑफ इंडिया. आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो इन IISc बैंगलोर. ओके, एंड आई वेलकम यू ऑल. नाउ टुडे गाइज आई हैव अ स्पेशल क्लास ऑन ऐप एट 5 o'clock, राइट आफ्टर दिस क्लास एट 5 o'clock आई हैव अ स्पेशल क्लास ऑन द ऐप, तो यू गाइज कैन ऑल्सो कम देयर. हेलो विशाल, ठीक है? वहाँ पे आप आ सकते हो. तो स्पेशल क्लास में क्यों आना है? ऑब्वियसली आपको पता है वहाँ लाइव क्लासेस होती है, एंड वन टू वन इंटरेक्शन बेटर होता है. तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको टॉपिक भी बता देती हूँ. लाइव क्लास में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट पॉसिबली आ सकता है आपके नीट में, ऑन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो आज हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके ऐप में 5 बजे. सो यू गाइज कैन ऑल्सो ज्वाइन मी, ठीक है? ओके, थैंक यू मृत्युंजय, वंडरफुल, परफेक्ट. ओके, सो वहाँ पे इंटरेक्शन बेटा ज़्यादा बेटर होता है. तो आज हम सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे क्वेश्चन, वो सॉल्व करने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों वो आंसर है और बाकी के 3 गलत ऑप्शन क्यों हैं, ठीक है? वहाँ मैं लाइव पोल्स भी दूंगी, जो वहाँ पे बहुत ही अच्छा, लाइक एक बहुत अच्छा फीचर है वहाँ पे लाइव पोल्स का. तो आज ऐसे क्वेश्चन दूंगी, आपके पास 4 ऑप्शन आएगा, आप अपना सही जवाब चूज कीजिए. ऐसे कितने परसेंट लोगों ने सही जवाब दिया है वो सब दिखता है, एंड आई कैन ऑल्सो शेयर द लीडर बोर्ड विथ यू ऑल, ठीक है? देन टेस्ट सीरीज होती है, आप टेस्ट सीरीज देने के बाद एनालाइज कर सकते हो, ठीक है? आपकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? और वहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको डाउट तो आएगा ही, है ना? ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के, और आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए जस्ट प्ले स्टोर पे लिखना पड़ेगा, हेलो मोहित, हेलो गुड आफ्टरनून, जस्ट हैव टू टाइप अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करने के बाद आपके कुछ ईजी स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आपको फ्री कोर्स एंड स्पेशल क्लासेस जो मैं आज लेने वाली हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वो भी बहुत अफोर्डेबल होता है. तो जस्ट क्लिक ऑन नीट UG बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर, एंड देन गेट द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज क्वाइट अफोर्डेबल गाइज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी साल अपियर करने वाले हो, तो आप इन तीनों में से कोई एक भी चूज कर सकते हो, ये इजी होता है.
अगर आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो और ज्यादा प्राइस कम हो जाती है ना, तो वो भी फायदे वाला होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 ईयर के लिए चाहिए, सपोज यू आर अपियरिंग फॉर नीट 2021, तो यू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 1 मंथ, इट इज अराउंड 2500 पर मंथ, तो बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप नीट 2022 के लिए अपियर कर रहे हो तो आप ये वाला ले लो, ये देखो और भी कम, इट जस्ट 1500 पर मंथ, ये सबसे ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली है ना, इससे भी कम हो जाएगा पूरे प्राइस मनी में। हेलो सौम्या, इफ यू कैन जस्ट राइट माई नेम, दैट इज SWAGATL, जस्ट अप्लाई इट एज अ कोड, आई आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट। ओके, परफेक्ट। नाउ दिस इज आवर टेलीग्राम ऐप ग्रुप, तो आप अभी तक तो शायद ये ग्रुप ज्वाइन कर चुके हो, जो नए हैं जस्ट टाइप दिस https://t.me नीट वॉयज चैनल, नीट वॉयज चैनल हमारा चैनल का नाम है, इस चैनल के नाम पे ही हमारा ग्रुप है टेलीग्राम में, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं कि कौन सा क्लास लेने वाले हैं, कितने बजे लेने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट का है, क्या टॉपिक है, सब आपको पता चल जाता है, स्पेशल क्लासेस का भी हम वहाँ पे डालते रहते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज नथिंग बट योर पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। चलो, तो सबसे पहले ये हमारी, फिर से मैंने एनसीईआरटी की लाइंस ले ली क्योंकि हम एनसीईआरटी रिकॉर्ड करते हैं ना 3 बजे। ठीक है जी, बढ़िया। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ लाइंस दिख रही होगी आपको। टाइप स्टडी में हम यूजुअली कॉकरोच ही पढ़ते हैं, ओके, तो देखते क्या लिखा हुआ है। तो कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स, मैं पहले पढ़ूंगी फिर मैं आपको सारे के सारे डायग्रामेटिक वे में भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। एक चीज याद रखना कि ये जो ब्राउन और ब्लैक बॉडी है उनकी, उनके इंटरनल बॉडी का कलर ब्लैक और ब्राउन नहीं है, उनके एग्जोस्केलेटन का कलर ये है। कैसे हुआ वो सब मैं आपको बताऊंगी, एग्जोस्केलेटन क्या है, किस चीज से बनी हुई है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। अब सारे कॉकरोच आपको यूजुअली ब्राउन और ब्लैक नहीं मिलते, बहुत ही एक्सेप्शंस भी है, जैसे ब्राइट येलो कलर के भी कॉकरोच के स्पीशीज मिलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू ऐसे कलर के भी कॉकरोचेस के स्पीशीज मिल चुके हैं। ठीक है, कुछ ट्रॉपिकल रीजन से। ओके जी, परफेक्ट। ओके, हेलो अंशु, हेलो आलोक। नाउ देयर साइज रेंजेस फ्रॉम इंचेस टू 3 इंचेस। ठीक है, नाउ ऑलमोस्ट अराउंड 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। छोटे भी दिखते हैं, बड़े भी दिखते हैं, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग साइज है। एंड दे हैव अ लॉन्ग एंटीना, दे हैव लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स द हेड। ये सारे स्ट्रक्चर हम देखेंगे, कहाँ पे मिलती है, उनकी हैबिटेट, हैबिट सब। They are nocturnal omnivores and that live in damp places throughout the world. They have become residents of human homes and thus are serious pests and your vectors of several diseases. तो चलो ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, इसी को हम समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें सिस्टमिक पोजीशन देखना है। क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक पोजीशन का तो आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, है ना, तो उसी का ही हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, किसको, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना को। तो ये क्या है आपकी कॉमन कॉकरोच, इसका कॉमन नेम क्या है, ऑब्वियसली कॉकरोच है ना। तो इसका फाइलम क्या है, द फाइलम इज नथिंग बट इट इज, यस द फाइलम इज, यस अंशु आई विल टेल यू व्हाट इज अ व्हाइट कॉकरोच, डोंट वरी, व्हाइट कॉकरोच इज नथिंग बट अ नॉर्मल कॉकरोच, इट हैज जस्ट मोल्टेड, आई विल शो यू द मोल्टिंग वीडियो आल्सो टुडे, आई विल शो यू एनिमेशन, आई विल शो यू फोटोज। सो फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्यों बोलते, बिकॉज दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, हमने पढ़ा था ना ये क्लासिफिकेशन में जब हम ये फाइला पढ़ रहे थे। सो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस ऑन देयर बॉडी, उनके लेग्स, उनकी एंटीना, ये सारे जॉइंटेड होती है। उनका क्लास क्या है, आर्थ्रोपोडा में बहुत सारा क्लास है, क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा ऐसे होते हैं, वैसे इंसेक्टा है, तो ये इंसेक्टा को बिलोंग करती है। ठीक है, ना उनके अंदर एक ऑर्डर होता है, क्लास इंसेक्टा के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। ठीक है सर, डिप्टेरा आपका जो हाउस फ्लाई है वो डिप्टेरा हो जाता है, ये कॉकरोच है इट कम्स अंडर डिक्टियोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा के अंदर ये आती है। ठीक है, फैमिली भी है ब्लैटोडी, इतना ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, यूजुअली फाइलम क्लास जीनस एंड स्पीशीज याद रखोगे तो ही चलेगा। ठीक है, जिस क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में है तो हमें बताना पड़ता है और ये जरूरी भी है, बाद में आप पढ़ेंगे। हेलो मनु, ओके, आज 2 बजे भी आलोक हुआ था, आप आए नहीं 2 बजे, इट वॉज इन अनअकैडमी नीट चैनल फिनिक्स बैच के लिए था। ओके, परफेक्ट। नाउ कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम इज नथिंग बट यू कॉकरोच। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना क्यों बोलते, बिकॉज इट वॉज नेटिव टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट बट लेटर इट स्प्रेड वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ नहीं मिलता, इंडिया में पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना है, कितने कॉकरोच दिखते हैं ना घर में, तो ये है वो बाद में स्प्रेड हो गए, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गए, इनकी इन्फेस्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ओके, परफेक्ट, नमस्कार मनु।
कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो ऊपर लिखे हुए थे उसको मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. इट इज फाउंड इन व्हाट वार्म डार्क डैम्प प्लेसेस. आपको दिखती होगी यूजुअली वो क्रेविसेस में रहती है, किचन के एकदम डब्बे के अंदर, नीचे बॉक्सेस के नीचे हवा मिलती है, राइट. इट इज नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है? इट इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. ये नाइट में ज्यादा एक्टिव होती है ना, ड्यूरिंग नाइट. डे में आपको मुश्किल से ही दिखते हैं कुछ कुछ, है ना. ऑमनिवोरस मतलब क्या है? कुछ भी खाते हैं. दे फीड ऑन स्टार्च, ठीक है, फीड ऑन स्टार्च, ठीक है, कुछ भी खाते हैं. फिर दे फीड ऑन लाइक स्टार्च ऑब्वियसली, लाइक यू नो राइस, ये सब पे खाते हैं. दे फीड ऑन एनीथिंग, एनीथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग, ठीक है ना. कर्सोरियल क्यों? बिकॉज दे कैन वॉक फास्ट, दे कैन, यू कैन से रन फास्ट. कर्सोरियल उन एनिमल्स को बोलते हैं दोज हू कैन रन फास्ट. तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी भागते हैं, राइट. दे शो कैनिबलिज्म. कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है? दे ईट देयर ओन सेल्फ, राइट. दे ईट देयर ओन किन और काइंड. किन का मतलब क्या होता है? उनके रिश्तेदारों को खा लेते हैं या उनके खुद के काइंड को वो खाते हैं. दैट इज योर कैनिबलिज्म, राइट. ओके नाउ उनके बॉडी में, अभी यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ था कि देयर बॉडी इज कवर्ड बाई नथिंग बट योर स्क्लेराइट, है ना, एंडोस्केलेटन वगैरह होता है. तो वही मुझे आपको यहाँ पे दिखाना है कि स्क्लेराइट क्या चीज होती है. स्क्लेराइट इज नथिंग बट बेटा एक्सोस्केलेटन. मैं वहां पे डायग्राम बनाऊंगी, पहले मैं समझा लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है. ओके परफेक्ट. इनका स्टार्च नहीं, स्टार्च बेटा इनका कोई अपना अलग सा इन स्टार्च बनाते नहीं बेटा. स्टार्च तो अपने नेचर में ही प्रेजेंट है ना, इनका अलग स्टार्च क्यों होगा? स्टार्च इज स्टार्च. मेरा अलग स्टार्च, तुम्हारा अलग स्टार्च, कॉकरोच का अलग स्टार्च, ऐसा नहीं होता. स्टार्च तो खाने की चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है, हम खाते हैं, पॉलीसेक्राइड है, सारे स्टार्च का एक ही होता है स्ट्रक्चर. पोटैटो में जो स्टार्च है, आपके राइस में जो स्टार्च है, मोस्टली फूड ग्रेन्स या लेग्यूम्स में स्टार्च पाए जाते हैं. ओके ना दे फीड ऑन स्टार्च, दैट्स व्हाट आई सेड. ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में जैसे कि मैंने बोला कि इनकी कोई एंडोस्केलेटन नहीं होती है. सो नो एंडोस्केलेटन, ओके, कोई भी एंडोस्केलेटन नहीं होती है, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल. सो एज दे हैव नो, एज दे डोंट हैव एनी एंडोस्केलेटन, मतलब बॉडी को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो दे नीड एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, राइट. तो उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? एक्सोस्केलेटन. तो जब भी आप कोई लाइक मरे हुए कॉकरोच को यूजुअली देखते हो, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, तो उसकी अंदर खाली होता है, क्योंकि अंदर का तो पूरा सड़ चुका होता है, ऊपर का एक्सोस्केलेटन पूरा का पूरा इंटैक्ट रहता है, ठीक है. जैसे हमारे में क्या होता है, वी हैव एन एंडोस्केलेटन, हमारे में बोन्स है, हमारे में एक्सोस्केलेटन नहीं है, सिवाय नेल्स और हेयर्स के, ये हमारे कुछ एक्सोस्केलेटन है, पूरे बॉडी के ऊपर नहीं है, ठीक है. और ये एक्सोस्केलेटन का काम क्या है? ये एक्सोस्केलेटन यूजुअली ऑब्वियसली बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, एक हार्ड सर्फेस दे रही है. दूसरा, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, वाटर रीअब्सॉर्प्शन या वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है. तभी तो ये लोग इतने सक्सेसफुल है. ये लोग आर्थ्रोपॉड्स और ये स्पेशली इंसेक्ट कब से आई हुई है और अभी तक वैसी ही है ना. मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो ये लोग आए और अभी तक वैसे के वैसे ही है, डायनासोर के जमाने से वैसे ही है. इनकी अडेप्टेशन पावर बहुत हाई है ना. वंडरफुल, परफेक्ट. ना एज आई सेड दैट देयर एक्सटर्नली देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड ब्राउन काइटिन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्लेराइट. तो उनकी स्क्लेराइट बनी किस चीज से है? काइटीन से. काइटीन प्लेट बोलते हैं. तो काइटीन क्या है आपका? काइटीन इज नथिंग बट अनदर पॉलीसेक्राइड. ये एक पॉलीसेक्राइड है, आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे इस चीज को, है ना. इट इज अनदर पॉलीसेक्राइड. ओके, तो काइटीन से बनी हुई है आप उनकी वो एक्सोस्केलेटन. हम बोलते क्या उसको? वी कॉल इट एज नथिंग बट स्क्लेराइट. ओके ना, ये जो स्क्लेराइट है ये कंटिन्यूअस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कॉकरोच की बॉडी देखी, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉकरोच है, ठीक है, ये एक कॉकरोच की, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है. ये सपोज कॉकरोच का हेड है, ठीक है, ये उसकी बॉडी है, ठीक है, ये उसकी दूसरा सेगमेंट है, सेगमेंटेड बॉडी है ना उसकी, ये तीसरा सेगमेंट है, ठीक है, ऐसे चौथा सेगमेंट है, ऐसे बहुत सारे सेगमेंटेड बॉडी है उनकी सपोज. तो उनके पूरे बॉडी में कंटिन्यूअस काइटिनस लेयर नहीं है. सपोज एक एक सेगमेंट को एक एक स्क्लेराइट ने कवर किया हुआ है, ठीक है, एक एक सेगमेंट को एक एक स्क्लेराइट ने कवर किया हुआ है. तो सपोज इसके ऊपर एक स्क्लेराइट है, ये एक स्क्लेराइट से ढका हुआ है, ठीक है, ये एक स्क्लेराइट से ढका हुआ है, ये एक स्क्लेराइट से कवर्ड है. तो ऐसे उनकी जो स्क्लेराइट है वो भी सेगमेंटेड है,
तो जितनी बॉडी सेगमेंट उतनी स्क्लेराइट, ठीक है। तो स्क्लेराइट क्या है? इट इज अ सेगमेंटेड काइटिनस प्लेट्स, तभी तो हम इसको प्लेट बोल रहे हैं, काइटिनस प्लेट्स। समझ में आ रहा है? वंडरफुल, ओके परफेक्ट। यस, नॉट क्यूटिकल, काइटिनस स्क्लेराइट। क्यूटिकल काइटिन के नीचे होता है, ठीक है, ओके। नाउ ये काइटिन मैंने बताया, काइटिन इज नथिंग बट किस चीज से बनी हुई है, काइटिनस प्लेट किस चीज से बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है, पॉलीसेक्राइड है। वो क्या करती है, ये जो काइटिन है, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, और कुछ करती है, बिल्कुल करती है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल सॉफ्ट बॉडी, ठीक है। ये स्क्लेराइट तो सेगमेंटेड है, मैंने बता दिया। अब इमेजिन करो कि ये एक कॉकरोच का सेगमेंट है, एक छोटा सा सेगमेंट लिया है मैंने यहाँ पे, उसका एक डॉर्सल साइड है, एक वेंट्रल साइड है, और दो लैटरल साइड है, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो इधर एक सेगमेंट होगा, इधर भी एक अलग सेगमेंट होगा, इधर इधर भी अलग सेगमेंट होगा। वैसे एक और सेगमेंट है आगे, इसके ये एक सेगमेंट था, इसके आगे एक और सेगमेंट है, यहाँ भी डॉर्सल एक सेगमेंट होगा, वेंट्रल एक सेगमेंट होगा, और आगे इधर साइड में भी दो सेगमेंट होगा, एक और सेगमेंट है, ठीक है। तो ये हर डॉर्सल, वेंट्रल और साइड सेगमेंट्स ऑफ स्क्लेराइट्स के अलग अलग नाम है, क्या है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, परफेक्ट। नाउ द स्क्लेराइट ऑन द डॉर्सल साइड, ठीक है, डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइट होते हैं, एक मिनट, जस्ट ए सेकंड, हाँ, डॉर्सल साइड में जो स्क्लेराइट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अस टर्गम, ठीक है। सिंगल है ना डॉर्सल, कितने साइड है, दो दो डॉर्सल है क्या, नहीं, एक ही तो डॉर्सल है। ईच सेगमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ईच सेगमेंट के डॉर्सल साइड में, सपोज ये एक सेगमेंट है, सपोज मैं इस सेगमेंट की बात कर रही हूँ, इसके डॉर्सल साइड में जो है उसको हम बोलेंगे टर्गम, इसके वेंट्रल साइड में जो स्क्लेराइट का सेगमेंट है, वेंट्रल मतलब नीचे वाला साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज स्टर्नम, ओके। और इसकी जो लैटरल साइड में, अब लैटरल तो दो होती है, एक तो नहीं होती है ना, एक इधर होती है, लेफ्ट, आपकी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो साइड होगी, तो व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल इट एज प्लूराइट्स। तो देखो ये हो गई प्लूराइट्स, क्योंकि दो है, टर्गम एंड स्टर्नम या सिंगुलर, क्योंकि एक एक डॉर्सल एक एक वेंट्रल साइड है, गॉट इट। अब ईच ऑफ दीज सेगमेंट्स, ईच ऑफ दीज स्क्लेराइट्स जो है, ये अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इमेजिन करो कि ये आपका एक, ये हम साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है, साइड व्यू देख रहे हैं, ये सपोज एक सेगमेंट है, ओके, साइड व्यू मतलब साइड से देख रहे हैं, सामने से नहीं, ये तो ऊपर से देख रहे थे ना इस वाले स्ट्रक्चर में, अब हम साइड से देख रहे हैं। सपोज ये आपकी एक और सेगमेंट है बॉडी की, ओके, सपोज ये एक और सेगमेंट है बॉडी की, ठीक है। ईच सेगमेंट इज कवर्ड बाय नथिंग बट अ स्क्लेराइट, तो ये एक स्क्लेराइट की सेगमेंट है ना, डॉर्सल वाली ये एक स्क्लेराइट है, ओके, ऐसी एक और स्क्लेराइट है, ये डॉर्सल वाली स्क्लेराइट, डॉर्सल वाली स्क्लेराइट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो, क्या बोलते हैं हम, टर्गम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, एक टर्गम है ना, ये आपकी दूसरी वाली टर्गम है, गॉट इट। और ये साइड पे जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूराइट बोलते हैं, एक साइड और दूसरे साइड भी एक और प्लूराइट है, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्गम है, सपोज ये एक एक टर्गम, ये अलग अलग प्लेट तो नहीं हो सकती, यहाँ पे एक टर्गम है फिर यहाँ पे ऐसे घूम रही है लटक रही है, ऐसा तो नहीं है, इनको हमने अटैच करके भी रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है अटैच करके, चलो जल्दी से देख लेते हैं। इनको अटैच किया हुआ है हमने एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन ऐसे अटैच करके रखती है। सिमिलरली वो ये जो आपकी प्लूराइट है, यहाँ पे एक प्लूराइट है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लूराइट है, यहाँ पे एक और प्लूराइट है ना, इन सबको एक वेरी थिन सॉफ्ट मेम्ब्रेन है, उसने अटैच किया हुआ होता है ऐसे, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज नथिंग बट आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन इसको इसके पोजीशन में फिक्स्ड रखती है, ठीक है, हाँ जी, परफेक्ट, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ओके। सेम चीज मैंने यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है, देखो
each sclerite are joined with one another by thin, flexible, soft arthrodial membrane. दिख रही है सबको, समझ में आया? यही arthrodial membrane है. और ये जो स्क्लेराइट है इसी का ही पिगमेंटेशन, ये जो आपको ब्राउन कलर की या डार्क कलर की कॉकरोच दिख रही है ये आपकी स्क्लेराइट की ही पिगमेंटेशन है. ठीक है, कभी कभी ये जो स्क्लेराइट है ओकेशनली ये शेड ऑफ करते हैं. सो दे ओकेशनली शेड ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज एग्डाइसिस. ठीक है, तो हमें यही देखना है कि एग्डाइसिस क्या है. ओके, तो चलो यहाँ पे एक वीडियो प्ले होने वाला है आपकी एग्डाइसिस की. तो आप लोग बोल रहे थे ना व्हाइट कॉकरोच, तो देखो यही अंदर का जो कॉकरोच है वो व्हाइट ही है, उसका ऊपर का जो स्क्लेराइट है वो कलर्ड है. वो जब वो हटा देती है अपनी बॉडी से, शेड ऑफ कर देती है, तो व्हाइट कलर का कॉकरोच दिखता है. फिर उसको कुछ टाइम लगता है, कुछ दिनों में वो फिर से ब्राउन हो जाती है, नया मोल्ड आपका नया उनका एक्सोस्केलेटन आता है, वो फिर से पिगमेंटेशन होती है उनमें. ठीक है जी, सो आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच. ये देखो ये कॉकरोच है, ये अभी ऊपर थोड़ा जूम्ड है, अभी जूम आउट होगा तो धीरे धीरे देखो आएगा. ठीक है, ये देखा, दिख रहा है? ये देखो अपनी बॉडी को पुल आउट कर रहा है ये अपनी. कैन यू सी दैट? अपनी बॉडी को वो पुल आउट कर रहा है अपने ओल्ड स्किन में से, सो दे कैन शेड ऑफ देयर स्किन. ये देखो, दिख रहा है? ठीक है, एक और बार प्ले करूं, समझ में आया? एक और बार आई एम गोइंग टू प्ले. यस चंदन, यू एब्सोल्युटली राइट, इट्स आल्सो कॉल्ड एज आर्टिकुलर मेम्ब्रेन. बिल्कुल सही, आर्टिकुलर आर्थ्रॉइड दोनों से एक ही है ना. ठीक है, तो ये देखो. ओके, अब वो फिर से नया पिगमेंटेशन और नया एक्सोस्केलेटन बनाएगी. तो ये प्रोसेस आपकी एग्डाइसिस की. ये देखो, एग्डाइसिस होने के बाद ये जो चीज है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द ओल्ड और मोल्टेड आउट एग्जोस्केलेटन. ठीक है, और ये क्या है आपकी? दिस इज दी न्यूली मोल्टेड कॉकरोच. तो ये ऑब्वियसली वाइट दिखेगी, है ना, तभी वो वाइट दिखती है. फिर कुछ दिनों के बाद वो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, उनकी पिगमेंटेशन फिर से आ जाती है. ठीक है जी, समझ में आया सबको? वंडरफुल, सो शुड वी मूव ऑन? समझ में आया सबको एग्डाइसिस क्या हुआ और कैसे हुआ? ये तो पूछा नहीं किसी ने कैसे हुआ था एग्डाइसिस. चलो बताती हूँ मैं कैसे हुआ था. एक मिनट, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर. अरे कहाँ गया? हाँ ठीक है, चलो देखो. एग्डाइसिस ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है? एग्डाइसिस नथिंग बट इट इज दी शेडिंग ऑफ एग्जोस्केलेटन. किया कैसे इसने? तो ये बेटा डिपेंड करता है एक हॉर्मोन पे. ठीक है, एक हार्मोन होता है जिस हार्मोन का नाम है एग्डाइजोन. मैं यहाँ लिख देती हूँ, एग्डाइजोन. ओके, तो ये जो हार्मोन है मोस्टली ये पर्टिकुलर हार्मोन इनकी एग्डाइसिस में हेल्प करती है, शेडिंग ऑफ द एग्जोस्केलेटन में हेल्प करती है. ये हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है? दिस हार्मोन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लैंड प्रेजेंट इन देयर प्रोथोरैक्स. प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्लैंड located in their prothorax. Okay, अब हम देखेंगे prothorax क्या है. उनका जो first thoracic part है उसको हम prothorax बोलते हैं. ठीक है, तो let me just write this here, prothorax. Okay, तो ये gland ये produce करती है ये hormone, और ये hormone क्या करता है? उनके molting process में help करता है. ये क्यों जरूरी है? जब आप ये life cycle जब हम पढ़ेंगे ना cockroach का, तब समझोगे. Like यूजुअली कॉकरोच का जो एग होता है वो जब एग टूटता है, एग हैच आउट होता है, हैच आउट होने के बाद क्या निकलता है? एक छोटा सा निम्फ निकलता है. तो निम्फ की साइज छोटी होती है, धीरे धीरे वो बड़ी होते होते फिर एडल्ट होती है. ठीक है, तो जब वो बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो उसकी ओल्ड एग्जोस्केलेटन में वो फिट नहीं आती है. वो बढ़ रही है, उसकी एग्जोस्केलेटन नहीं बढ़ रही है. ठीक है, तो समझ में, हमारी क्या होती है, हम भी बढ़ते हैं, हमारे साथ साथ हमारा एंडोस्केलेटन बढ़ता है. इनके साथ ऐसा नहीं होता है. तो पहले तो छोटी थी तो छोटे एग्जोस्केलेटन में आ गई थी, अब ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो एंडोस्केलेटन में आएंगी नहीं ना, तो दे कैन नॉट एकोमोडेट दैट एनिमल एनीमोर. सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे विल शेड ऑफ द स्किन, दे गोइंग टू फॉर्म अ न्यू वन. फिर से थोड़ी बड़ी हो गई, फिर शेड ऑफ करेंगे ताकि वो एकोमोडेट हो सके. एक्सक्यूज मी. ओके, परफेक्ट. ठीक है, सो दिस वॉज नथिंग बट एग्डाइसिस. कौन कर रहा है? एग्डाइजोन हार्मोन. तो प्लीज इस हार्मोन का नाम याद रखना. ऑन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोथोरैसिक ग्लैंड, एक ग्लैंड जो प्रोथोरैक्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है,
हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे हो आप? यस यस, जहां पे जो भी एक्सोस्केलेटन थी वो फिर से बनेगी, ठीक है, गॉट इट। हाँ जी हाँ, स्नेक भी एक डाइसिस करता है, बिल्कुल करता है, स्नेक्स, लिजार्ड, स्नेक्स, ये रेप्टाइल्स करते हैं। ओके, सारे रेप्टाइल्स नहीं करते, कुछ कुछ रेप्टाइल्स करते हैं, जैसे स्नेक्स हो गया, लिजार्ड हो गया, ये एक डाइसिस शो करते हैं, बिल्कुल सही। ओके चलो परफेक्ट, आगे बढ़े। तो ये स्ट्रक्चर दिख गया आपको, ओल्ड मोल्टेड आउट एक्सोस्केलेटन, तो वो खाली एक्सोस्केलेटन है और ये नया एनिमल निकला फिर से, ये फिर बनाएगा, फिर वो थोड़े देर के दिनों के बाद पिगमेंटेशन उनमें आ जाएंगी, ठीक है ना। ये आपकी हो गई, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉडी रिविजन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक बार वापस जाके देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ देख लेते हैं, अब देखो हमें देखनी है मॉर्फोलॉजी। ओके सो नाउ द एडल्ट्स ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच, दैट इज पेरिप्लैटा अमेरिकाना जो है, उनकी साइज वगैरह मैंने आपको बता दी, ठीक है। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजंस, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी स्ट्रक्चर को मैंने वहां लिया हुआ है, उसी में एक्सप्लेन करूंगी और मैं ड्रॉ करके भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट वंडरफुल। नाउ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इन तीनों चीजों में, मैंने बताया तीनों पार्ट में। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड कार्टिनस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर, मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। ईच सेगमेंट, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स, टर्गाइट डॉर्सली एंड स्टर्नाइट्स वेंट्रली, मतलब टर्गम डॉर्सल में होता है, स्टर्नम वेंट्रल साइड में होता है, दैट आर जॉइंट टू ईच अदर बाय अ थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया, राइट। चलो अब इसका हमें देखना है कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में होता क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ गया हेड, ओके, तो ये हेड रीजन हो गया, ठीक है। फिर आपकी थोरासिक रीजन आ गई, थोरासिक रीजन ये तीन है, ये एक थोरैक्स है, ये एक थोरासिक रीजन है, ये एक थोरासिक रीजन है, ओके। तो तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। अब हमें पढ़ना है कि ये तीन पार्ट में चीजें क्या क्या है, हेड में क्या क्या पार्ट होता है। हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाहर की चीजों को पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी में अभी तक हम आए नहीं है, ठीक है जी। बढ़िया वंडरफुल, ओके। सो लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ओके। तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेड में देखते हैं क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पे कॉकरोच तो पहले बना लेती हूँ, ओके। सारे सेगमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो चलो ये हो गई उनकी हेड, ठीक है, ये हेड है सपोज, ओके। हेड में प्रेजेंट क्या है आपका, हेड में सबसे पहले तो प्रेजेंट है आईज, ठीक है, आईज प्रेजेंट है उनकी, कंपाउंड आईज, डिटेल्स में पढ़ाऊंगी मैं, और इज नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ एंटीना, ठीक है, एंटीना भी उनका प्रेजेंट है यहाँ पे, ये सपोज एंटीना है। उसके बाद क्या आता है उनका, इज नथिंग बट थोरैक्स। तो थोरैक्स में देखते कितने सेगमेंट है, तो थोरैक्स में बेटा तीन सेगमेंट होता है, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा वाला सेगमेंट होता है, पहले वाला, फिर उनकी आती है दूसरी वाली सेगमेंट थोरैक्स की, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज दी मीजोथोरैक्स, देन वी हैव दी मेटाथोरैक्स, ठीक है, तीसरी वाली जो सेगमेंट है। तो तीन सेगमेंट हो गई आपकी थोरैक्स की, सो दिस इज नथिंग बट योर प्रोथोरैक्स, ओके, प्रोथोरैक्स, ओके, देन वी हैव दी मीजोथोरैक्स, ओके, मीजोथोरैक्स, देन वी हैव दी मेटाथोरैक्स, ओके, मेटाथोरैक्स, परफेक्ट। नाउ फिर आता है आपका एब्डोमिनल पार्ट, तो मैं काम करती हूँ एब्डोमिन को एक दूसरे कलर से बनाती हूँ ताकि वो थोरैक्स के साथ कन्फ्यूज ना हो जाए हम, ठीक है। तो थोरैक्स आपके एब्डोमिन में होता है 10 टोटल, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो चलो जल्दी से बना लेती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम दे दो बेटा, बना रही हूँ बस, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। ठीक है, 1 मिनट दे दो, बस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो कितने हुए टोटल आपके, यहाँ पे हो गए 10 सेगमेंट्स, 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। तो टोटल कितने सेगमेंट हो गए उनके हेड को छोड़ के, टोटल 13 सेगमेंट्स हो गए, ये 1, 2, 3 और बाकी 10 सेगमेंट्स हो गए आपके एब्डोमिनल सेगमेंट्स हो गए, है ना, एब्डोमिनल सेगमेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, ओके बढ़िया। चलो ना
अब हमें देखना है कि ये सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट क्या है। तो सबसे पहले हम हेड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबका मैं बताऊंगी एक एक करके, पहले हेड के बारे में बात करते हैं। तो कॉकरोच का जो हेड होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ठीक है। सपोज अगर आपने नेचुरल सर्फेस देख लिया, तो सपोज ये आपकी कॉकरोच की बॉडी हो गई, ठीक है। तो उनकी हेड जो है इट इज एट 90 डिग्री एंगल टू द बॉडी, ठीक है। सो सपोज ये उनकी हेड है, तो इस तरह के हेड को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज हाइपोगनाथस हेड, ठीक है। हाइपोगनाथस हेड का मतलब क्या होता है, व्हेन द हेड इज लोकेटेड 90 डिग्री टू द बॉडी एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस, गॉट इट। मतलब ऐसा प्रेजेंट है ये, अगर बॉडी है तो ये ऐसा हेड प्रेजेंट है, तो परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्सिस, ठीक है जी। परफेक्ट, वंडरफुल। हाँ जी, हाँ क्या पूछ रहे हो कुणाल मैम, स्नेक में इससे हर बार होता है तो कॉकरोच में भी शेड ऑफ हर बार होगा या निम्फ के हर निम्फ, एक निम्फ तुरंत आपकी एडल्ट कॉकरोच नहीं बन जाती है, निम्फ में भी बहुत 13 टाइम्स मोल्ट होता है कॉकरोच का निम्फ, 13 टाइम्स, ठीक है। तो 13 बार उनकी मोल्टिंग होगी, उसके बाद एडल्ट कॉकरोच बनेगी, ठीक है। बढ़िया, चलो वंडरफुल। तो ये आपकी हेड हो गई। अब इस हेड के हेड में है क्या वो देख लेते हो। सपोज ये उनकी हेड है, ठीक है। तो हेड में सबसे पहले प्रेजेंट होता है नथिंग बट एन एंटीना, कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से सबसे पहला है एंटीना, ठीक है। तो एंटीना कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीना निकलता है एक सॉकेट जैसी स्ट्रक्चर हो जाती होती है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज नथिंग बट सपोज योर एंटेनरी सॉकेट, एंटेनरी सॉकेट। इस एंटेनरी सॉकेट से आपकी एंटेना निकलती है, ठीक है। तो ये सपोज आपकी एंटीना है। अब देखो एंटीना भी सेगमेंटेड है, दिख रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, उनकी एंटीना भी सेगमेंटेड है, क्योंकि ये कौन है, दीज आर आर्थ्रोपोड्स, राइट। और मैंने क्या बोला था, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस, उनकी जॉइंटेड अपेंडिजेस होती है। अपेंडिज का मतलब हमेशा लेग नहीं होता है, अपेंडिज कुड बी एंटीना एज वेल, ठीक है। तो ये आपके जो एक एक सेगमेंट दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, पोडोमियर्स, ओके, पोडोमियर्स। ऐसे कई पोडोमियर्स जुड़ के एक एंटीना बनाती है। तो यहां से लेके यहां तक जो आपने देखा है, दिस इज नथिंग बट एन एंटीना। एंटीना का काम क्या होता है, एंटीना सबसे पहले, एंटीना इज योर गस्टेटो रिसेप्टर। गस्टेटो का मतलब क्या होता है, टेस्ट। तो वो एंटीना से भी टेस्ट करते हैं अपने फूड को, ठीक है, गस्टेटो रिसेप्टर। इसके अलावा और क्या होता है इनका, फोटो रिसेप्टर, वो लाइट भी, लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे आप स्विच ऑन करते हो किचन का लाइट, जल्दी भाग जाता है, तो उसको यूजुअली लाइट सेंसिटिव ये उनके एंटीना होते हैं, ठीक है। सो फोटो रिसेप्टर ये भी हो गया आपका, ओके, आइस के अलावा, ठीक है जी, बढ़िया, परफेक्ट। नाउ इसके अलावा और क्या होता है, ये थोड़ा सा आपकी वाइब्रेशन भी परसीव करता है, ठीक है, इट परसीव वाइब्रेशंस आल्सो, ठीक है, परसीव्स वाइब्रेशन। एक और जगह है जो वाइब्रेशन परसीव करता है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। तो एंड टैक्टाइल, टैक्टाइल मतलब क्या है, रेस्पॉन्ड टू टच, ठीक है, रेस्पॉन्स टू टच, ओके, परफेक्ट। नाउ एंटीना के अलावा कुछ और भी होता है हेड में, तो देख लेते हैं और क्या होता है। एंटीना के अलावा इसमें होती है कुछ नथिंग बट आइस, आइस एंड माउथ पार्ट्स। तो ये तीन सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आइस क्या होता है, दो तरह की आइस होती है, याद रखना, ठीक है, दो तरह की आइस होती है। एक जो आइस है यूजुअली कॉकरोच में, वो फंक्शनल नहीं है, दूसरे इंसेक्ट में फंक्शनल है। ये छोटा सा आइस दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज सिंपल आइस, सिंपल आइस। ये सिंपल आइस को ओसिलस भी बोल सकते हैं, या ओसिलाई, मतलब दो दो है ना, दो सिंपल आई, तो ओसिलाई। ये जो है ये आपकी, इट इज नॉन फंक्शनल या रूडिमेंटरी इन कॉकरोच, याद रखना, कॉकरोच इसमें सिंपल आई काम नहीं करते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल इन कॉकरोच, ओके। अब तो फंक्शनल क्या है, फंक्शनल है उनकी कंपाउंड टाइप ऑफ आई। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है उनकी एक और आई, दैट इज नथिंग बट देयर कंपाउंड आई। कंपाउंड आई जो होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल हेक्सागोनल चेंबर्स, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे 2000 यूनिट्स होती है ऐसी, दिख रही है, एक एक बॉक्स को हम एक एक यूनिट बोलते हैं। एक एक यूनिट मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट योर ओमैटिडिया, ओके,
ओमैटिडियम इज सिंगल, ऐसी कितनी होती है टोटल 2000 यूनिट्स होती है, ओके 2000 यूनिट्स, ओके परफेक्ट। सो ये 2000 यूनिट्स आपकी ओमैटिडियम से बनी है, ऑब्वियसली दो, तो ये क्या है आपकी कंपाउंड आई हो गई, सो दिस इज नथिंग बट उनकी कंपाउंड आई, और ये बिल्कुल फंक्शनल होती है, ओके बिल्कुल यही एक है जो फंक्शनल है, और नॉन फंक्शनल क्या होता है उनका सिंपलाइज, ठीक है। तो ये दो हो गई आपकी सेंसरी ऑर्गन, तीसरी वाली बच्चा है वो है माउथ पार्ट्स, तो चलो माउथ पार्ट्स भी हम देख लेते हैं। तो ये है उनकी माउथ पार्ट्स, पांच माउथ पार्ट्स होती है उनकी, ठीक है। एक उनका सबसे पहले क्या होता है लैबरम, ठीक है, ओसिला या नथिंग बट सिंपलाइज एंड ओसिला या नॉन फंक्शनल इन कॉकरोच, दैट्स ऑल, ओके। सो ये सबसे पहले क्या होता है लैबरम, लैबरम क्या है लैबरम, इट इज नथिंग बट जस्ट लाइक द अपर लिप, अपर लिप, तो आपको दिख रही है यहाँ पे अपर लिप, ये लैबरम है, ओके। ये वाला व्यू देखो, ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है, ठीक है, तो फ्रंट व्यू देखो लैबरम। फिर नेक्स्ट क्या होता है उनकी लेबियम, ओके लेबियम जो है वो लोअर लिप, तो यहाँ पे आपको लोअर लिप दिख नहीं रही है, सिर्फ आपको लेबियल पाल्प दिख रही है, बट देखो उल्टे साइड पे देखोगे तो लेबियम दिख रही है, इस वाले डायग्राम में आपको लेबरम नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या है उनकी लोअर लिप, ओके तो ये हो गई लेबरम, अपर लिप, ऐसे ही अरेंज है ये, फिर लोअर लिप हो गई लेबियम, ओके। उसके बाद क्या आता है उनका, उसके बाद आता है आपका, हाँ गुड आफ्टरनून सौरभ, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट कम्स नथिंग बट दी मैंडिबल। अब देखो एक यहाँ पे एक फंडा देखो, यूजुअली हम क्या बोलते हैं इन ह्यूमंस, वी कॉल द अपर जॉस मैगजीला एंड द लोअर जॉस मैंडिबल, राइट। आर्थ्रोपॉड्स में ये उल्टा हो जाता है, उनकी अपर जॉ हो जाती है मैंडिबल, उनकी लोअर जॉ हो जाती है मैगजीला, ऐसे याद रख पाओगे। ह्यूमन में या मैमल्स में हम अपर जॉ को मैगजीला बोलते हैं, तो ये मैगजीलरी टीथ होती है, नीचे वाले जॉ को हम क्या बोलते हैं मैंडिब्यूलर टीथ, है ना, उनकी जो हमारे जॉ में नीचे वाले जॉ में जो टीथ होती है, राइट, ओके परफेक्ट, हेलो सुमित, परफेक्ट, राइट। सो मैंडिबल इज नथिंग बट इट इज द अपर जॉ, ये उल्टा केस हो गया, ओके। सो दिस इज मैंडिबल इज अपर जॉ एंड देन वी हैव मैगजीला, मैगजीला इज नथिंग बट योर लोअर जॉ, ओके फाइन। नाउ इसके अलावा लास्ट एक पार्ट होता है, दैट इज नथिंग बट द हाइपोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू टंग। तो ये जो हाइपोफैरिंग्स है ना, ये देखो यहाँ पे दिख नहीं रही आपको, इस डायग्राम में आपको कहीं दिख रही है हाइपोफैरिंग्स नहीं ना, क्योंकि वो अंदर की तरफ होती है, वो दिखती नहीं है, खोल के निकालोगे तो दिखेगी, हाइपोफैरिंग्स इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू टंग। ये फिर फूड को कहाँ पुश डाउन कर देती है, पुश डाउन करती है टूवर्ड्स द ईसोफेगस, ठीक है। तो ऊपर क्या है लेब्रम, नीचे क्या है लेबियम, तो दोनों आपकी अपर एंड लोअर लिप हो गई, फिर आपकी ऊपर हो गई मैंडिबल, अपर जॉ, वो क्या करता है, ये देखो मैंडिबल का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मैंडिबल का एक ग्राइंडिंग सी रीजन होता है, इंसाइजिंग रीजन होता है, ये ग्राइंडिंग करता है, इंसाइजिंग क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जो भी फूड पार्टिकल है। मैगजीला क्या करता है लोअर जॉ, ये देखो ये ना सेगमेंटेड है, ये लेग जैसी नहीं दिख रही है, ये क्या करता है, ये फूड को पकड़ के टूवर्ड्स द हाइपोफैरिंग्स पुश करता है। तो इमेजिन करो ये जो दोनों हाथ है मेरे, दिस इज नथिंग बट द मैगजीला ऑफ द कॉकरोच, इट विल होल्ड द फूड एंड विल पुश इट टूवर्ड्स द माउथ, ओके, हाइपोफैरिंग्स के थ्रू वो नीचे चला जाता है। तो ये पांच तरह के उनके स्ट्रक्चर है, ये पांच तरह का स्ट्रक्चर जब ऐसे अरेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप बोलते हैं हम उसको, ठीक है, परफेक्ट, ओके वंडरफुल नाइस। सो इनकी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होती है किनकी, कॉकरोच की। ऐसे आप अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स पड़े होंगे, है ना, लाइक मस्कीटो में आपको पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप दिखता है, बेडबग में भी वही दिखता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, है ना, हनी बीज में आपको क्या दिखती है लैपिंग टाइप दिखती है ना, ओके बटरफ्लाइज में साइफोनिंग टाइप दिखती है। तो उनके पास भी ये पांच है, लेकिन इनकी अरेंजमेंट अलग है, इसीलिए वो मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये हमारे हेड में प्रेजेंट थी, राइट, किसमें, कॉकरोच के हेड में प्रेजेंट था ये तीनों सेंसरी स्ट्रक्चर, ठीक है, वंडरफुल। हाँ जी, लेबियम ऑब्वियसली लोअर लिप एंड लोअर जॉ है ना, तो लोअर लोअर नीचे ही होगा, ठीक है, ओके। दूसरा आता है आपका थोरैक्स, तो थोरैक्स के तीन पार्ट हो गए, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब देखो प्रोथोरैक्स जो है वो सबसे बड़ा सेगमेंट है, ये दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा सेगमेंट है। तो इसके ऊपर जो डॉर्सल्स का जो इसकी जो टर्गम है इसके ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनेटम,
वी कॉल इट एज प्रोनेटम. ओके, किसको? प्रोनेटम इज नथिंग बट इट इज द स्क्लेराइट ऑफ प्रोथोरेस. सबसे बड़ा है ना ये वाला, तो इसकी स्क्लेराइट भी सबसे बड़ी होती है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसको एक नाम ही दे दिया. क्या दे दिया? प्रोनेटम. ठीक है जी, बढ़िया. ओके चलो, अब देखते हैं हम बाकी. अब क्या होता है प्रोथोरैक्स में? तो प्रोथोरैक्स में बेटा आपका प्रेजेंट होता है, प्रोथोरैक्स में प्रेजेंट होता है आपकी एक लेग, प्रोथोरासिक लेग. ओके, सो प्रोथोरासिक लेग या जिसको हम फोर लेग भी बोलते हैं, तो वो प्रेजेंट होती है आपकी प्रोथोरैक्स में. ओके, तो सपोज ये आपकी हो गई लेग की स्ट्रक्चर, तो ये सपोज आपकी ये लेग की स्ट्रक्चर हो गई. ठीक है, ऐसी आपकी मीजोथोरैक्स में भी एक ऐसे लेग होती है, मीजोथोरैसिक लेग. ठीक है, और मेटाथोरैसिक लेग भी होती है. लेग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है विच इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ लेग, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग एंड सो ऑन. ऐसे दो होती है, एक एक लेग नहीं होती, पेयर में होती है, मैं दूसरे साइड में बना नहीं रही हूँ. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? फोर लेग, दैट इज योर प्रोथोरैसिक लेग. फिर आपका दूसरा वाला ये क्या हो गया आपका? दिस इज नथिंग बट योर मिड लेग, दैट इज द मीजोथोरैसिक लेग, जो मीजोथोरैक्स में होती है. तो मीजोथोरैक्स में आपका क्या प्रेजेंट है? मीजोथोरैक्स में आपका प्रेजेंट है एक मिड लेग, दैट इज मीजोथोरैसिक लेग, प्लस एक आपकी फोर विंग, एक विंग भी यहाँ प्रेजेंट है. प्रोथोरैक्स में सिर्फ लेग है, बट मीजो में लेग और विंग दोनों है. सेम आपके मेटा में भी है, मेटाथोरैक्स में भी दोनों प्रेजेंट होता है. ठीक है, मेटाथोरैक्स. ठीक है, इसमें भी आपकी क्या है? एक हाइंड लेग है, तो ये आपकी हाइंड लेग है. ठीक है, प्लस एक हाइंड विंग भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो चलो विंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे आपको एक फोर ये विंग दिख रही है, यहाँ पे उन्होंने प्रोथोरैक्स से निकाला हुआ है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, वो आपकी मीजोथोरैक्स से निकलती है. तो चलो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ. ठीक है, एक मिनट दे दो, मैं ये वाला जगह मिटा दूँ ताकि मैं यहाँ पे बना पाऊँ आपकी विंग्स. ठीक है, चलो एक मिनट दे दो. ओके परफेक्ट, तो चलो मैं सबसे पहले आपकी बनाती हूँ फोर विंग. तो ये आपकी फोर विंग है. ओके, कहाँ पे प्रेजेंट है फोर विंग आपकी? कहाँ से निकल रही है वो? मीजोथोरैक्स से निकल रही है, राइट. तो ये वाली जो विंग है आपकी, दिस इज क्वाइट थिक, ये बहुत थिक होता है, लेदरी होती है. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर फोर विंग. चलो फोर विंग के बारे में कुछ कुछ लिख लेते हैं हम. ठीक है, हम थोरैक्स के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो जो आपकी फोर विंग होती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ठीक है, फोर विंग जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेगमिना, टेगमिना और एलाइट्रा. ठीक है, फोर विंग का ये दूसरा नाम है, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज मीजोथोरासिक विंग, क्योंकि मीजोथोरैक्स से निकल रहा है ना. ठीक है, परफेक्ट. ओके, हेलो अभिषेक, हेलो, नाइस टू सी यू हियर, वंडरफुल. तो ये आपकी टेगमिना या एलाइट्रा. तो टेगमिना एलाइट्रा जो फोर विंग है, इट इज क्वाइट थिक. ओके, थिक है आपकी ये लेदरी है एंड ओपेक है. ओके, और एक चीज याद रखो, इट इज नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट, ये उड़ने के लिए नहीं है. दे डू नॉट यूज इट फॉर फ्लाइट, प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इट इज नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट. क्यों फिर यूज क्यों है प्रेजेंट? अगर विंग है, उड़ नहीं रहा, तो क्यों प्रेजेंट है? ये पूरे बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्शन टाइप ऑफ देता है. ठीक है, अंडरलाइन बॉडी जो एब्डोमेन और थोरैक्स के सेगमेंट से, उसको प्रोटेक्शन देता है. दूसरा एक और जो विंग है उनका, दूसरा विंग चलो बनाती हूँ दूसरे कलर से, एक मिनट इस कलर से बनाती हूँ. दूसरा जो उनका विंग है, दैट इज प्रेजेंट वेयर? दैट इज प्रेजेंट नथिंग वेयर, हियर. ये उनकी दूसरी वाली विंग हो गई. कहाँ पे प्रेजेंट है वो देखो, मीजोथोरैक्स से. ये बहुत थिन होती है. ठीक है, ये थिन है, ट्रांसपेरेंट है, एंड दिस इज यूज फॉर फ्लाइट. सो ये उनकी क्या हो गई? दिस इज नथिंग बट द हाइंड विंग. ठीक है, या फिर इनको हम मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक विंग भी बोलते हैं, एंड दिस इज यूज्ड फॉर फ्लाइट. गॉट इट? ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू अभिषेक. ओके, तो ये समझ में आ रहा है? ओके परफेक्ट. सो ये आपकी थोरैक्स में थी. तो प्रोथोरैक्स में क्या था? सिर्फ लेग थी, एक पेयर है ना, प्रोथोरैसिक लेग. मीजोथोरैक्स में क्या थी? आपकी मीजोथोरैसिक विंग भी थी और मीजोथोरैसिक लेग भी था.
मेटाथोरैक्स में क्या था आपका, मेटाथोरासिक विंग था एक और एक मेटाथोरासिक लेग था, ठीक है। तो ये आपके थोरैक्स में प्रेजेंट है। अब लेग्स के बारे में जो मैं बता रही थी, लेग्स के कुछ पार्ट, तो एक लेग मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है, ठीक है। तो चलो मैं इसके बारे में लिख देती हूँ। पहला, सबसे जो थिकेस्ट है, थिकेस्ट लेयर, थिकेस्ट पार्ट ऑफ द लेग है वो ये वाला है, ठीक है। थिकेस्ट लेयर ऑफ द लेग, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्जा। तो कॉग्जा क्या है, याद रखना, इट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ लेग, ठीक है। दूसरा, दूसरा आता है एक छोटा सा ट्रायंगुलर शेप, ये दिख रहा है, मैंने रेड कलर से किया अभी, छोटा सा ट्रायंगुलर, जो कॉग्जा और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं ट्रोकेंटर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, जो कॉग्जा और एक और जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट योर फीमर, कॉग्जा और फीमर को जोड़ती है छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा ट्राइंगुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ट्रोकेंटर। सो ट्रोकेंटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लेग, ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ लेग, ठीक है। किसको किसको जोड़ रही है ये, द ट्रोकेंटर जॉइंट्स और कनेक्ट द कॉग्जा विद द फीमर, ओके। देन कम्स द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लेग, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट टीबिया। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ये क्या है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग, ओके। देन कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द लेग, दिस वन हियर, विच इज कॉल्ड एज नथिंग बट द टार्सस, दिस पार्ट हियर इट इज कॉल्ड एज द टार्सस, ओके, दिस इज योर टार्सस। ये टार्सस जो है इसके पांच सेगमेंट है, देर आर फाइव सेगमेंट्स ऑफ टार्सस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टार्सस के सेगमेंट्स बना देती हूँ, तो ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया टार्सस का, ये तीसरा सेगमेंट हो गया, ये चौथा सेगमेंट हो गया, और ये पांचवा सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये एक एक आपके टार्सस के सेगमेंट है, ओके। अब टार्सस के सेगमेंट के बीच बीच में यहाँ पे यू आर गोइंग टू सी सम एडहेसिव पैड लाइक स्ट्रक्चर। एडहेसिव का मतलब क्या होता है, स्टिकी। तो आपको ऐसे स्टिकी स्टिकी पैड्स दिखेंगे, मैंने इसीलिए अलग से बनाया क्योंकि इस डायग्राम में पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं टार्सस के, ठीक है, परफेक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही, ओके। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज प्लैंट्यूले, प्लैंट्यूले। प्लैंट्यूले का काम क्या है, प्लैंट्यूले दे आर एडहेसिव पैड्स। ये जब कॉकरोच को आपने देखा होगा किसी भी सरफेस पे वो चल रहा होता है, वो दीवार पे भी चढ़ जाती है, तो ये स्टिकी पैड उनको सबस्टेटम में चिपकाने के लिए या फिर सबस्टेटम को पकड़ के रखने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। अब जो लास्ट सेगमेंट है ना, ये जो लास्ट वाला सेगमेंट आपको दिख रहा है ना टार्सस का, इसको हम बोलते हैं प्री टार्सस। इसकी कुछ खासियत है, ये बाकी टार्सस से थोड़ा अलग है, बाकी टार्सोमियर से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, चलो देखते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें ना क्लॉ, दो क्लॉ प्रेजेंट है ऐसा एंड वाले में, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट द क्लॉज, ओके। और ऐसा ही एक स्टिकी जो आपने प्लांट्यूले देखा था, ऐसा स्टिकी एक यहाँ पे प्रेजेंट है, पैड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज नथिंग बट दी पल्वीलस। दिख रहा है या मैं आगे बीच में, चलो पल्वीलस। ये सारे वॉक करने में प्रॉपर हेल्प करते हैं। पूरे लेग में आपको कुछ ऐसे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना, ये ब्रिसल्स दिख रहे हैं आपको, ये ब्रिसल, ये देखो कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल सेंसिटिव और सेंसरी ब्रिसल्स। ये सारे सेंसरी ब्रिसल्स में टच रिसेप्टर होता है, दे आर टच रिसेप्टर्स, ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट वंडरफुल। चलो समझ में आया सबको, ये लेग के स्ट्रक्चर्स थे आपके, ओके। अब एक और बार वापस एनसीईआरटी वाले में जाते हैं, देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो कहाँ गया ये रहा, ओके। अब यहाँ पे वही हेड थोरैक्स एब्डोमेन उसके बारे में बताया गया, तो हमने पढ़ लिया, तो चलो यहाँ भी पढ़ लेते हैं। मैंने जैसे बताया, हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट द राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, मैंने यही आपको बताया था। और इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोग्नेथस, मैंने लिखा हुआ है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स। तो ये बात एक याद रखना कि जो स्क्लेराइट था आपके सारे सेगमेंट में, एक एक स्क्लेराइट था, तो आपकी थोरैक्स में कितनी सेगमेंट है, 3 है, आपके एब्डोमेन में कितना है, 10 है, तो ऐसे ही 3 टर्गम और 10 टर्गम होगा। आपका जो हेड है वो दिखने में तो एक है,
बट ये भी बना हुआ है 6 अलग अलग स्क्लेराइट के फ्यूजन से, ठीक है. सो इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स. ओके, नाउ वी कैन नॉट हाईलाइट इट. ओके, नाउ इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक. उनका जो छोटा सा नेक है दिखता नहीं है, एंड हेड इज अटैच टू नथिंग बट द थोरैक्स. और उसमें छोटा सा एक नेक है तो ईजिली वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है. हेड में क्या क्या है, इट बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ठीक है, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना. हमने अभी कंपाउंड आइज के बारे में पढ़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमैटिडिया. कितने ओमैटिडिया होता है, एक आई में 2000 ओमैटिडिया होती है, ठीक है. जो उनकी सिंपल आई है वो नॉन फंक्शनल है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है वो. अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, एंटीना भी मैंने आपको बताया थ्रेड लाइक है और वो सेगमेंटेड है, ठीक है. पोडोमियर्स बोलते हैं एक एक सेगमेंट को, ठीक है. चलो बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट. नाउ अ पेयर ऑफ, ये मैंने बताया एंटीना हैज सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट. मैंने बताया उसमें क्या क्या रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर होता है, टैक्टाइल रिसेप्टर होता है. एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडिजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. मैंने आपको अभी माउथ पार्ट्स दिखाए, ठीक है. द माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेब्रम एंड अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल दैट इज द अपर जॉ, अ पेयर ऑफ मैक्सिला दैट इज द लोअर जॉ, एंड अ लेबियम दैट इज द लोअर लिप. मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग, मैंने अभी बताया था, कॉल्ड एज हाइपोफैरिंग्स, लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज बाई द माउथ पार्ट, ठीक है. अब थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ वॉट, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स. द हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाई अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक. मैंने वही बताया आपको, ठीक है. ईच थोरैसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, है ना. ईच सब में प्रेजेंट है, प्रोथोरैक्स में एक पेयर है, मीजो में एक पेयर है, और मेटा में भी एक पेयर प्रेजेंट है, ठीक है. परफेक्ट, वंडरफुल. नाउ द फर्स्ट पेयर ऑफ, और कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा मुझे भी. हाँ चलो, थोरैक्स में, हाँ जी बढ़िया. ईच थोरैक्स में एक एक वॉकिंग पेयर प्रेजेंट है लेग्स के. द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स. मैंने वही बोला, प्रोथोरैक्स में कोई विंग्स प्रेजेंट नहीं है, मीजोथोरैक्स में आपकी 4 विंग प्रेजेंट है जो थोड़ा लेदरी है. उसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला, टेग्मिना एलाइट्रा भी बोल सकते हैं उसको. 3 नाम है लिखा हुआ है आपका नीचे. एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरैक्स. एक मेटाथोरैक्स से एक पेयर निकलता है, दैट इज नथिंग बट द हाइंड विंग, ओके. और एक प्रोथोरैक्स से, कौन सा उड़ने में हेल्प करता है, हाइंड विंग, 4 विंग नहीं करता, ठीक है. ओके, नाउ 4 विंग्स कॉल्ड टेग्मिना, देखो फिर से लिखा हुआ है, आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट. द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एंड आर यूजफुल इन फ्लाइट. ओके, नाउ अब हमें देखना है कि एब्डोमेन में क्या है. चलो एब्डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं. आ गया, हाँ जी. ओके, अब एब्डोमेन में कितने सेगमेंट है, टोटल आपके 10 सेगमेंट है, 1 to 10 सेगमेंट्स थे. अब एब्डोमेन में क्या क्या प्रेजेंट है आपका, ठीक है. एब्डोमेन में यूजुअली प्रेजेंट है आपकी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऊपर जगह नहीं है. एब्डोमेन में उनकी क्या क्या प्रेजेंट है, मोस्टली उनकी इंटरनल वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट है, लेकिन इंटरनली प्रेजेंट है. हम बात किसकी कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली, तो ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है, ये तो चलो अंदर प्रेजेंट है, ऊपर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एनल सर्काई और एनल स्टाइल दिखाई देता है, इसी के ऊपर वो क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है. परफेक्ट, ओके, वंडरफुल. सो अभी इसमें हमें देखना है कि एनल सर्काई और एनल स्टाइल क्या है, क्योंकि ये एनल स्टाइल और एनल सर्काई हमें डाइमॉर्फिज्म भी शो करने को, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, आप बाहर से देख के पता कर सकते हो कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है, ठीक है. परफेक्ट, ओके. तन्मय, यू गेट द PDF ऑन द लेक्चर इज डन, बट इट टेक्स टाइम टू अपलोड द PDF इन द लिंक, ओके. सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, विल बी अपलोडिंग ऑन द PDF सून. नाउ तो ये आपका 2 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है. 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको. एक जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये डॉर्सल व्यू है, ओके. और ये आपकी वेंट्रल व्यू है, ओके. नाउ ऊपर से आपको एनल सर्काई जो दिखती है, ये जो एनल सर्काई दिख रही है, एनल एक सिंगल इज सर्कस, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि एनल सर्काई कहाँ प्रेजेंट होती है. एनल सर्काई, इट इज फाउंड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों में मिलती है. तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं शो कर रहा, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है. बट कहाँ से निकलता है, इट इज, सबसे पहले तो याद रखना ये सेगमेंटेड है, सेगमेंटेड है ये, ठीक है. इस एनल सर्काई दिख रही है आपको, सेगमेंट, ये एनल सर्काई है, एनल सर्काई है, सेगमेंटेड है. कहाँ से निकल रही है, ये आपकी 10th टर्गम से निकल रही है, ठीक है.
टेंथ टर्गम, टर्गम क्या था हमका डॉर्सल, आपका डॉर्सल साइड पर जो स्क्लेराइट था राइट, तो ये टेंथ वाला, ये टेंथ वाला था वहां से ही वो अराइज हो रहा था ठीक है। दूसरी क्या है आपकी एनल स्टाइल, ओके हाँ जी एनल स्टाइल, तो एनल स्टाइल क्या है आपका, एनल स्टाइल इट इज फाउंड ओनली इन मेल्स, फाउंड ओनली इन मेल्स ओके ना, सिर्फ मेल्स में मिलता है और ये अनसेगमेंटेड होता है, ये एनल स्टाइल दिख रहा है आपको, ये छोटा सा एनल स्टाइल है ना, ये अनसेगमेंटेड है ओके अनसेगमेंटेड है, वो एक जस्ट अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यूजुअली ना, ये अनसेगमेंटेड जो स्ट्रक्चर है निकलता कहाँ से, यूजुअली इट इज फाउंड इन द टेंथ स्टर्नम, सॉरी नाइन्थ स्टर्नम, नाइन्थ स्टर्नम से निकलता है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एनल स्टाइल, एनल स्टाइल कहाँ से निकला, ये नाइन्थ स्टर्नम है वहां से ये निकला है ठीक है। फंक्शन क्या है एनल सर्काई का, फंक्शन क्या है चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एनल सर्काई का फंक्शन इज नथिंग बट इट परसीव्स वाइब्रेशंस, मैंने बोला था ना एंटीना के अलावा एक और भी है, तो दिस वन एनल सर्काई जो है आपका इट परसीव्स वाइब्रेशंस ओके, और ये टैक्टाइल भी होता है मतलब रेस्पॉन्ड टू टच। एनल स्टाइल का काम क्या होता है, एनल स्टाइल यूजुअली इज टैक्टाइल मतलब अगेन रेस्पॉन्ड टू टच एंड इट इज एक्ट, इट एक्ट एज अ कॉप्यूलेटरी ऑर्गन, क्योंकि ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, तो ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन टू ट्रांसफर द स्पर्म इन टू द फीमेल स्पर्मथिका, ये होल्ड करके रखता है प्रॉपर पोजिशन को ठीक है, सो कॉप्यूलेटरी ऑर्गन के हिसाब से भी ये काम करता है ठीक है परफेक्ट। तो किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ मेल्स में, तो एनल स्टाइल के प्रेजेंस से ही हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है कि नहीं वो देख सकते हैं, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल द कॉकरोचेस एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है ठीक है ओके परफेक्ट। तो ये आप, हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ ली आपकी कॉकरोच की है ना, तो हम अभी नेक्स्ट क्या मूव ऑन करेंगे, हम लोग कल यूजुअली आपका यूट्यूब फ्राइडे है राइट, तो कल आपका स्पेशल क्लास होने वाला है, तो कॉकरोच नहीं होगा, कॉकरोच फिर हम सैटरडे मंडे को करेंगे। कल आपका एक YouTube में स्पेशल होने वाला है जिसमें मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी, मैराथन होने वाला है ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स का मोस्ट ऑफ द चैप्टर पूरा हम लोग NCERT से पढ़ेंगे अच्छे से, और मैं डिटेल्स में भी एक्सप्लेन करूंगी आपको, कितने बजे शुरू होने वाला है वो 2 बजे कल, 2 से 4 आपका एक मैराथन रन होने वाला है जूलॉजी का, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी होंगे अलग अलग टाइमिंग में, तो हम वहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ओके। फिर हम लोग 5 से 6 एपिथेलियल टिश्यू बच गया था ना हमारा टिश्यू में, याद है लास्ट फ्राइडे को स्पेशल क्लास की वजह से वो हुआ नहीं था, वो हम कल 5 से 6 में कर लेंगे ठीक है, क्योंकि आपका 8:30 बजे कल मेंटी है रात को कल, तो उसमें एनिमल टिश्यू की मैं मेंटी ले रही हूँ, तो इसलिए एपिथेलियल टिश्यू भी उसमें आएगा, तीनों टिश्यू तो हो गए एनिमल, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, अब बस ये बचा हुआ है, तो ये भी हम कर लेंगे ठीक है। और फिर आपका 7 बजे जो नॉर्मल क्लासेस होती है, कल फ्राइडे है ना, तो कल 11th का ही पोर्शन होगा, तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन हमारा बचा हुआ है ना, तो सारे डाइजेशन भी हम पढ़ लेंगे ठीक है जी। परफेक्ट परफेक्ट वंडरफुल। लिंक तो हम लोग, मैंने दिया ही हुआ है ना टेलीग्राम का लिंक, पहले ही बताया था कहाँ पे है, ये आपकी टेलीग्राम की लिंक देख लीजिए ठीक है, प्लीज इसको आप टाइप कर लीजिए एंड ज्वाइन इट ओके, ये टेलीग्राम का लिंक है फॉर योर नीट वॉयक चैनल ओके परफेक्ट ठीक है। तो आज आपका स्पेशल क्लास है अभी 5 बजे है ना, आज ही स्पेशल क्लास है ऐप में 5 बजे, मैं वहां पे क्या करने वाली हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो क्वेश्चन है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड कुछ न्यू क्वेश्चंस जो मोस्ट पॉसिबली आ सकता है नीट में, वो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें ठीक है। सो सी यू क्लास, सी यू ऑल गाइस देयर, एंड नेक्स्ट इज नथिंग बट योर परफेक्ट। एक मिनट हाँ, यस ड्रीम, यस फिनिक्स बैच विल बी कम्प्लीटेड, हाँ जी यस ऑब्वियसली बिफोर 2021 विल कम्प्लीट द फिनिक्स बैच, डोंट वरी ओके, बिल्कुल हो जाएगा, अभी तो टाइम है, अभी तो नीट 2020 नहीं हुआ है, तो सब हो जाएगा, परेशान मत होइए, सब हो जाएगा ठीक है। यस यस इट विल गेट कम्प्लीटेड ड्रीम, यस नाउ 5:00 टुडे वी हैव अ क्लास इन द ऐप, मैंने बता दिया टॉपिक क्या है, वहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का, वहाँ मैं लाइव पोस्ट दूंगी, आप आंसर कर सकते हैं, एंड फिर आपकी 7:00 क्लास है यूट्यूब पे है ना, आज हम लोग डे बिफोर यस्टरडे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं ब्लास्टुला का क्लास नहीं ले पाई थी ठीक है, मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो आज हम आज करेंगे उसमें 7:00, तो ब्लास्टुला आज का टॉपिक है प्लेसेंटा, तो एक साथ स्ट्रेच कर दूंगी मैं फिर ठीक है। सो सी यू गाइज एट 5:00
ओके परफेक्ट. हाँ आपको पता चल जाएगा माइना, डोंट वरी, यू गेट टू नो व्हेन वी विल स्टार्ट टीचिंग देयर. ओके ओके गाइस, देन आई विल सी यू एट 5 o'clock इन द ऐप क्लास. टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू सून.